आज माननीय नेपाल के जो प्रधानमंत्री महोदय हमारे भारत यात्रा पर भारत नेपाल के बहुआयामी संबंधों को बढ़ाने के लिए, भारत नेपाल की वैदिक कालीन संस्कृति को पुनरुत्थान करने के लिए नई दिल्ली में हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं सम्माननीय नरेंद्र मोदी साहब के साथ शिष्टाचार भेंट हुई, द्विपक्षीय वार्ताएँ हुई और आज बड़े गर्व के साथ 1 जून 2023 को ट्रांजिट एग्रीमेंट भारत और नेपाल के बीच में हुआ, दोनों देशों के बीच में हुआ, दोनों देशों के महामहिम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, ऊर्जा संपर्क और व्यापार से जुड़े 7 समझौतों पर आज हस्ताक्षर किया। ये बड़े गर्व की बात है भारत और नेपाल के लिए। मोदी जी का जो हमारे आज संदेश मिला है, हमारे जो प्रधानमंत्री नेपाल सरकार के जो प्रचंड साहब आए हैं उससे ये संदेश मिला है कि भारत और नेपाल के रिश्तों को हिट से सुपर हिट बनाया जाएगा। ये बहुत अच्छा हमारे भारत सरकार का संदेश है और दोनों देशों के बीच रामायण सर्किट का काम तेजी से पूरा किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अमृत जो संदेश है वो बहुआयामी संबंधों को आगे बढ़ाएगा। कि राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने देश के नागरिक कानून में विवादित संशोधन को मंजूरी देकर चीन को बड़ा झटका दिया है। इस नागरिकता कानून से 4 लाख शरणार्थियों को फायदा मिलेगा जो भारतीय व तिब्बती हैं। अब कोई महिला नेपाली नागरिक से शादी करती है तो उसे राजनीतिक अधिकार मिल जाएंगे। इस कानून पर अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन नेपाल के फैसले पर खुशियां मना रहा है। प्रधानमंत्री प्रचंड की भारत यात्रा से भारत नेपाल के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के इंडो नेपाल समरसता सोशल मिशन यात्रा से दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों को सुलझाने की दशा में आज पहल आगे बढ़ी है। भारत नेपाल के रिश्ते हिमालय की तरह प्राचीन और अटूट है। भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कड़ियों ने सदियों से दोनों देशों को मजबूत से जोड़ रखा है। भारत और नेपाल बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी से समान संबंध साझा करते हैं जो नेपाल में है। खुली सीमा के कारण दोनों राष्ट्रों के लोग निर्बाध आवाजाही कर रहे हैं। विवाह और पारिवारिक संबंधों के कारण भी दोनों देश ज़्यादा नज़दीक हैं। भरोसेमंद द्विपक्षीय रिश्ते नेपाल और भारत के लिए ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र के साथ दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज है नेपाल सरकार के जो प्रधानमंत्री महोदय हैं भारत यात्रा पर बहुत अच्छा संदेश दिया है नेपाल राष्ट्र की ओर से और हमारे बहुआयामी संबंधों को और मजबूतता मिलेगी। राष्ट्र भारत और नेपाल राष्ट्र दो है लेकिन आत्मा एक।